क्या महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या महायुति में सब सही है? सारे नेता एकजुट हैं? इस पर सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महायुति की जबरदस्त हार हुई है। बता दें कि महाराष्ट्र भाजपा के कई नेता एक समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। हालांकि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है ये स्पष्ट नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन पार्टियों के खराब प्रदर्शन को लेकर बैठक हुई थी। भाजपा सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ अपने आधिकारिक आवास वर्षा में बैठक की है। वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बैठक में जाने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक जारी रखी। भाजपा शीर्ष नेताओं ने पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं को लेकर चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर एक समीक्षा बैठक के लिए बुलाया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा राज्य स्तर की पार्टी नेताओं के साथ इस तरह की बैठक अक्सर करती रहती है। बता दी कि हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में राज्य में भाजपा के खराब प्रदर्शन को लेकर भाजपा नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देने की पेशकश की थी। वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों के नतीजों की बात करें तो सत्ताधारी महायुति के दल भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी ने 48 सीटों में महज 17 सीटें ही प्राप्त की। इसमें भाजपा ने 9, शिवसेना ने 7 और एनसीपी ने सिर्फ 1 सीट जीती है। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के एनसीपी एसपी ने 48 में से 30 सीटें जीती हैं। और इसके अलावा एक निर्दलीय ने भी कांग्रेस को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस तरह उनके पास 31 सीटों का आंकड़ा हो जाता है। महाराष्ट्र से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए आकाश ढाके की रिपोर्ट।